अरे गुड्डो, अपना झूठ और अपनी बेटी का गुनाह हम शरीफों के नाम करने आई हो? चुप करो तुम, अम्मा की बच्ची। रियासत, जानती हूँ अल्लाह से क्या मांग रही हो, यही कि अल्लाह तुम्हें मेरे अजाब से बचाए और अल्लाह मुझे उठा ले, इसलिए कि मेरे जीते जी तुम इस घर पे तो राज कर नहीं सकती। ठीक कहा आप, मैं खुदा से आप ही के लिए दुआ मांग रही थी, मगर ये कि अल्लाह आपको मेरी जिंदगी भी लगा दे और रियासत और मुस्कान हमेशा आपकी मोहब्बत की छाँव में रहे और आपकी सल्तनत क्यों ही कायम रहे। बहुत चलाक हो, बातें बनाना तुम्हें खूब आती हैं। नहीं, मैं सिर्फ आपको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि आप इस घर की मलकिन और मैं आपकी खातिमा, मुझे कबूल कर लीजिए। भूल है तुम्हारी, मैंने हार मानना नहीं सीखी। मैं जिंदगी तुम पर इतनी तंग कर दूंगी कि तुम मौत भी मांगोगी ना तो तुम्हें नहीं मिलेगी। मैं फिर भी उफ नहीं करूंगी। तुम रियासत का सब कुछ हत्या चुकी हो और मैं ये बात जानती हूं कि तुम अब मुझे हत्याने आई हो, लेकिन तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा हया सिवाय जिल्लत के। रियासत की दर से मिलने वाली जिल्लत भी मेरे लिए बाइस इज्जत है। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूं। हाँ। रहने दो, इस घर में दो खानसामे हैं, उनको रियासत ने अपने ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया, इसलिए आज से किचन मैं संभालूंगी। आप अपने कमरे में जाइए, मैं चाय बनाती हूं और नाश्ता भी तैयार करती हूं। रात भर ऐसे ही? मेरा बेस्ट है लेना इरफान, मैं उम्र भर इन्हीं कदमों में पड़ी रहूं। उस्मा, मैंने तुम्हें अपने दिल में जगा दी है, इन कदमों में तुम्हारा ठिकाना नहीं है। जिस तरह आपने मेरा और मेरे खानदान का भरम रखा है ना, तकाज़ा यही है इरफान कि अपनी जिंदगी इन्हीं कदमों में गुजार दूँ। उसमें वो रिश्ता भी कुछ रिश्ता है जिसमें दूसरे का भरम ना रखा जाए, और मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया, मैंने तो रिश्ते की रीत निभाई है। आपने इंसानियत की रीत निभाई है इरफान, इसलिए कि मैं जानता हूं तुम्हें, तुम मासूम हो और इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अब हम इस आने वाले बच्चे का मिलकर इस्तकबाल करेंगे, से खेलेंगे, पढ़ाएंगे, बहुत सारा प्यार करेंगे। इरफान,
कभी आंसू ना बहाना उस पर, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकता। अम्मी, कितनी दुआएं मांगी थी मैंने कि मेरी इज्जत का भरम रह जाए, उस मां की नादानी का भरम रह जाए, लेकिन लेकिन रात रात आपकी इज्जत का भरम रह गया। अम्मी, आपकी सारी दुआएं कबूल हो गई हैं इरफान की सूरत में। इरफान ने हमारा भरम भी रख लिया, लेकिन राहिला, ससुराल वालों की नफरत के साथ उस्मा और कितने दिन उस घर में बसेगी? ऐसा ना कहें अम्मी, बस आप दुआ करें कि इरफान को लंबी जिंदगी मिले और उस्मा को हिफाजत। अल्लाह जहां भर की बेटियों को सुहागन रखे, अपने घरों में आबाद रखे। और राहिला, तुम्हें भी तुम्हारे हिस्से की खुशियां मिले। अगर तुम मेरे साथ ना होती तो मैं इन तूफानों का कैसे मुकाबला करती अकेली? मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मैं खुदा ना करे तुम भी अपने घर जाओ, तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियां मिले, आबाद रहो अपने घर में। मेरी खुशी तो आपसे नहीं, तुम अपने घर जाओ, राज करो अपने घर में, राज। अच्छा छोड़े मुझे भगाने की बात है, मैं आपके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ, खाने की टेबल पर आ जाइए। क्या सोच रहा है पवे? थोड़ा मैं सोच रहा था कि ऐसी जिंदगी कैसे गुजारेगा तू, कानून भी तेरे पीछे लगा हुआ। तू फिक्र नहीं कर, जग्गू दादा ज्यादा जहमत नहीं देगा कानून को खुद को तलाश करने में। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी एक हिसाब बिगवा करना है एक गद्दार दोस्त से और एक गुमशुदा मोहब्बत को तलाश करके। दादा उसकी तो शादी हो गई है। हाँ तो मैंने ये कब कहा कि मैं उसे हासिल करूंगा? बस एक बार उसका चेहरा देखूंगा और फिर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लूंगा, ताकि उसका चेहरा हमेशा मेरी नजरों के सामने रहे। मगर पहले क्या? पहले अपने दुश्मन से हिसाब बेबाक कर लूं। दादा तू भूल नहीं सकता मोहब्बत भी और नफरत भी? नहीं पवे, ये दोनों जज्बे भुलाए नहीं जा सकते। वैसे दादा कहता तो तू ठीक है, बहुत जुल्म किया तेरे साथ,
मोहब्बत में भी और नफरत में भी धोखा दिया है तुझे दोनों ने। नहीं, मोहब्बत ने जो धोखा दिया वो उसकी मजबूरी थी, लेकिन दुश्मन ने जो धोखा दिया वो मेरी मजबूरी को खरीद कर मुझे खरीदा है उसने, मेरी मजबूरी को खरीदा है उसने, यहां तक कि मुझे इश्तिहारी मुजरिम बना दिया, कातिल बना दिया। दादा, तेरे पवे ने तो दोस्ती निभाई ना। पवे, तूने खूब साथ निभाया, लेकिन मेरे दोस्त, दोस्ती का तकाजा यह है कि तू मेरे रास्ते में नहीं आना। मगर दादा, तू चला जा यहां से, जग्गू दादा अपने रास्ते पे अकेला ही चलेगा। और हां, मोहब्बत और नफरत के तकाजे निभाते निभाते अगर जग्गू दादा मर जाए तो पुलिस से उसकी लाश वसूल करके दफना जरूर देना। दादा, ऐसे तो ना कहना। बस पवे, चला जाए यहां से, जग्गू दादा का सफर बहुत कठिन है, तू जा, जग्गू दादा अकेला ही जाएगा। नहीं साथ मैं। पवे, तुझे जग्गू दादा की कसम, चला जा यहां से, चला जा जग्गू, जग्गू दादा को छोड़ दे। फौजिया, देखो हया चाहती है कि हमारे रिश्ते की खूबसूरती कायम रहे। हया हया हया, बार बार ये गाली मेरे सामने मत दिया करो तुम। देखो ये गाली अब मेरे दिल पे लिखी जा चुकी है, अब तुम इसे अपना मुकद्दर समझ लो। मुझे अगर मुस्कान का ख्याल ना होता ना तो दुनिया को चीख चीख कर बताती कि तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए गाली बन चुका है। मुस्कान, मुस्कान कहाँ हो बेटा, जल्दी आओ। घर पर आ रहे हैं, कोई चीज वापस नहीं आनी चाहिए, ठीक है? प्रॉमिस। मामा देखे, आया मामा ने मुझे कितना अच्छा तैयार किया और मुझे लंच भी देती है, आप तो मुझे लंच भी नहीं देती। बेटा मैं तुम्हें रोज पैसे देती हूँ कैंटीन से लंच लेने के लिए। बाजार की चीजें बच्चों की सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए मुस्कान आज के बाद से आपको मैं लंच खुद बना के दूंगी। तुम सिर्फ इसके बाप की फिक्र करो, मुस्कान की फिक्र करने के लिए मैं हूँ। चलो मुस्कान, लेट हो रही हो बेटा, ड्राइवर वेट कर रहा है। अच्छा चलो, नहीं पहले खुदाफिज को। खुदाफिज पापा। खुदाफिज बेटा। खुदाफिज मामा। जल्दी 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 जल्दी। मुस्कान कितनी लकी है, उसे हया जैसी माँ मिली। मुस्कान की माँ सिर्फ मैं, सिर्फ मैं। माँ फौजिया ना तुम बीवी हो और ना माँ। अरे जिंदा हाथों से झाड़ू लगा, ये मरे हाथों से झाड़ू मत लगा। अम्मा दो तीन दिन में मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। है तो तेरी अभी तक तबीयत नहीं संभली, तू मुझ पे एहसान कर रही है अपने गुनाह हमारे सर पर डालकर। हाँ अम्मा, तुम और इरफान लाख मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करो, मैं जानती हूँ तुम किसी दूसरे का गुनाह मेरे बेटे पर डालना चाह रही हो। अम्मा इरफान की कबूल करने के बाद भी? अच्छा अच्छा, मेरे सामने जबान मत चलाना, मैं सब कुछ जानती हूँ।
तू मुझे धोखा दे रही है, धोखा। मेरा बेटा तो भोला भाला है, पागल कर दिया तुमने उसको। हाँ, उल्लू का गोश्त खिलाकर उसको उल्लू बना दिया है। काम चोर कहेगी, चल झाड़ू दे, सफाई कर। अच्छा अम्मी, मैंने खाना भी बना दिया और किचन भी साफ कर दिया। खुदा के लिए कोई काम पकड़ के मत बैठ जाइए। अच्छा, मेरी माँ नहीं बैठती। चले जी, मैं निकलती हूँ, दरवाजा बंद कर ले। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जग्गू दादा अपनी अमानत छोड़ गया है। अमानत? शकीला। शकीला? हाँ, उसी की खातिर जग्गू दादा अपनी जान हथेली पे रख के यहाँ आया है। देखो देखो, खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से। अब शकीला यहाँ नहीं रहती, वो हमने उसकी शादी कर दी है। शकीला जग्गू दादा के सिवा किसी की नहीं आ सकती। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, यहां से चले जाओ, भूल जाओ शकीला को। भूल जाओ उसे? कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाए जग्गू दादा अपनी मोहब्बत को? शकीला सिर्फ जग्गू दादा की है, सुना तुम लोगों ने? सीधा सीधा क्यों नहीं कह देती जाए जग्गू दादा? एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम लोगों ने उसकी शादी कहीं की है तो जग्गू दादा उसे मार देगा। मार देगा जग्गू दादा उसे। पता बता, कहां है वो? कौन है वो? बता मुझे। देखो, उसके अब्बा ने शकीला की शादी कर दी है, वो अब मुल्क से बाहर चली गई है। है तो इसी जमीन पर ना, जहां पे भी होगा, पाताल में भी होगा तो जग्गू दादा ढूंढ के मार। सुना तुम लोगों ने? वो अमेरिका चली गई है। तुम जाओ यहां से, जाओ निकलो। शकीला किसी की भी नहीं हो सकती, वो सिर्फ मेरी है, जग्गू दादा की है। चाहे किसी भी देश में हो या किसी भी देश में। भाई। हाँ भाई। कपड़ा दे। कौन हो भाई आप? कौन हूँ मैं बताऊँ, मैं कौन हूँ? नहीं चाहिए ये, कपड़ा दे जल्दी जल्दी। चल चल निकल निकल निकल। जग्गू दादा से पूछ रहा है कौन है।
मैं तो आपसे सिर्फ इजाजत चाहती हूँ इस घर में रहने की। अपनी मर्जी से कोई भी कोना मुंतखब करके मुझे दे दीजिए, मैं अपनी सारी जिंदगी वहीं बिता लूंगी। बेटा, तुम्हारा इतना एहसान कम है क्या कि तुमने हमारी इज्जत रखी? नहीं अम्मी, आपकी इज्जत है तो मेरी इज्जत है। रानी बेटी राज